किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों, प्याज किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है और प्याज के निर्यात को सरकार ने खोलने का निर्णय लिया है। किसान भाइयों, कौन कौन से राज्य में यह निर्णय लागू होगा, इसके लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर करें, लाइक करें। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बंगलोर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज के निर्यात को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। 14 सितंबर को सरकार ने प्याज की कीमतों को काबू में रखने और इसकी उपलब्धता बढ़ाने सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, बंगलोर रोज और कृष्णापुरम प्याज के निर्यात को तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2021 तक के लिए 10,000 टन करने की अनुमति दी गई है। कर्नाटक के किसानों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वह 10,000 टन बेंगलुरु के विभिन्न प्रकार के प्याज की शिपमेंट की अनुमति दे, क्योंकि घरेलू बाजार में इसकी कोई मांग नहीं है। इस किस्म की दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ताइवान में मांग है। आमतौर पर कृष्णापुरम प्याज का उपयोग भारत में उसके आकार और तीखेपन के कारण नहीं होता है। कृष्णापुरम प्याज थाईलैंड, हांगकांग, मलेशिया और श्रीलंका और सिंगापुर द्वारा आयात किया जाता है। बता दें कि प्याज की अन्य किस्मों पर अभी पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है। यानी कि किसान भाइयों, अंततः हम बात करें प्याज के निर्यात की, तो प्याज के निर्यात में केवल दो किस्मों, कृष्णापुरम और बेंगलुरु, दोनों प्रकार की प्याज की किस्मों की निर्यात को ही खोला गया है, क्योंकि इन दोनों प्रकार की किस्मों के प्याज की भारत में डिमांड कम होती है, इसकी डिमांड विदेशों में ज़्यादा होती है। इसी कारण केवल इन दो किस्मों की 10,000 टन प्याज को के निर्यात को खोला गया है। यानी कि अब विदेशों में ये दोनों प्रकार की किस्मों का प्याज निर्यात होगा। किसान भाइयों, कर्नाटक के किसानों ने जैसा कि सरकार से विशेष अनुरोध किया था कि प्याज के निर्यात को जल्द से जल्द खोला जाए, तो सरकार ने जो दो प्रमुख किस्में हैं उनको खोलने का, उनके निर्यात को खोलने का प्रतिबंध हटाया है, जिससे वो प्याज अब विदेशों में निर्यात होगा। जैसा कि किसान भाइयों मैंने आपको बताया कि वो दोनों किस्में भारत में उपयोग में सबसे कम लाई जाती हैं, इस कारण उसकी डिमांड विदेशों में ज़्यादा होती है, इसलिए सरकार ने निर्यात को खोलने का निर्णय लिया है। तो किसान भाइयों, आने वाले समय में और भी किस्मों के निर्यात खोलने की अनुमति सरकार दे सकती है, तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़े फायदे की बात है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो की रोजाना जानकारी देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। जय किसान।